हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी क्लास हो रही है शाम को 7 बजे, रात में 8 बजे, फिर इसके बाद 9 बजे, लगातार आपकी क्लासेस हो रही हैं और सभी क्लासों में आपको जुड़ना है, डेली जुड़ना है, ठीक है। और आपको जितने क्वेश्चंस करवाए जाएं यहाँ पर, जितने भी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं ना, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये बात आप लोग अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे KVS रहा हो, DSSSB रहा हो, TGT, PGT, कहीं भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। प्लस न्यू क्वेश्चंस भी रख रहे हैं हम, प्लस करंट वाला पोर्शन भी रख रहे हैं, प्लस जो आने की पूरी पूरी संभावना है उसको भी रख रहे हैं, ठीक है। मतलब कहा जाए तो कहीं भी हम कोई भी कोना नहीं छोड़ रहे हैं जहां से आपका एग्जाम थोड़ा सा भी छूट रहा हो, ठीक है। चलिए क्लास में आइए फटाफट से। जल्दी से आएंगे और एक बार बता देंगे, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? शाबाश। हाँ, प्रणाम मैम जी, जय श्री राम, गुड इवनिंग। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम। हाँ मैम, क्लियर है। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको बता दें, कल हम एक मैराथन करवा रहे हैं। कौन सी? एक कला की मैराथन होगी जिसमें आपके संपूर्ण क्वेश्चंस जितने भी अभी तक हम पढ़ा चुके हैं ना, संपूर्ण MCQs की मैराथन होगी। हम अभी शेड्यूल थोड़ा देर में लगा देंगे और शाम को 7 बजे ही ये आपकी मैराथन होगी, ठीक है, इसी टाइम पर। देखिए अभी, हाँ ठीक है, तो ये जो आपकी कल आपकी मैराथन आने वाली है शाम को 7 बजे, सभी को उपस्थित होना है, ठीक है। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस करवाए हैं उनकी मैराथन है, ठीक है। कल भी होगी प्लस परसों भी होगी, दो दिन आपकी दो मैराथन आएंगी शाम को 7 बजे, तो सभी को उपस्थित होना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। चलिए, पूछा गया है आपसे, पूछा जा रहा है, जैन चित्र कागज पर कब बने हैं, बताइए। जैन चित्र जो है वो कागज पर कब बनते हैं? देखिए सबनम जी, अभी कोई सीटों का विवरण नहीं आया है, ठीक है, तो अभी आपको बताया नहीं जा सकता है। जब तक वहां का नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना, तब तक हम आपको नहीं बता पाएंगे। चलिए इसको बताइए, कल हमने 65 तक कंप्लीट पढ़ा दिया था, आज हमें 66 से स्टार्ट करना है, ठीक है। बताइए, जैन चित्र कागज पर कब बनते हैं? 13वीं शताब्दी में, 16वीं, 15वीं, या फिर इसको कर लीजिए 14वीं शताब्दी में, बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे एक साथ आंसर, क्या होगा आंसर? शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये जो दिया है ना, 14वीं शताब्दी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, ताल पत्रों पर बनाए गए पाल पोथी, अरे भाई कैसा टाइप हुआ है ये, ताल पत्रों पर बनाए गए पाल पोथी चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मेनली जगह पूछी गई है आपसे। 67, ऑप्शन डी, बंगाल की। नेक्स्ट, किसने सन 1964 ईस्वी में चप्पल पहनना हमेशा मुक्ति बोध की शव यात्रा के लिए त्याग दिया था? MF हुसैन, SH रजा, अकबर पदम सिंह, कृष्ण खन्ना। आंसर होगा MF हुसैन। नेक्स्ट, जितेंद्रनाथ मजूमदार 1942 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में कला शिक्षक थे? काशी,
हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, विश्व भारती। वेरी गुड, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। महाराजा संसार चंद के संरक्षण में पल्लवित कांगड़ा चित्रकला पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ता है? राजस्थानी, जैन, मुगल, कश्मीरी। वेरी गुड, मुगल। नेक्स्ट, सन 1925 ईस्वी में असित हल्दार को कौन से आर्ट कॉलेज में प्रथम भारतीय प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया? बताइए कौन सा होगा, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली में। शाबाश, वेरी गुड। अंजना जी कह रही है मैम वीडियो देख रही हूँ, साथ में कपड़े प्रेस करती जा रही हूँ। वेरी गुड, जिसे पढ़ना है ना तो वो कैसे भी करके पढ़ लेता है। चलिए क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी ये है लखनऊ में। आगे, किसी भाषा को तकनीक रूप से व्यवस्थित व प्रदर्शित करने की कला क्या कहलाती है? लिथोग्राफी, टाइपोग्राफी, स्टीरियोग्राफी, नैनोग्राफी। आ जाइए सभी लोग, 72 पे आएंगे सभी। वेरी गुड, टाइपोग्राफी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सुलिपि कला जिसे हम कैलीग्राफी बोलेंगे, किसकी शैली है? लिखने की, छपाई की, पंजीयन चिन्ह या फिर चित्रण की। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश। ऑप्शन ए होगा लिखने की। ठीक है, चलिए आगे, मूर्तिकारों में सबसे वरिष्ठ कौन है? वरिष्ठ पूछा गया है, धनराज भगत, पीलू पोचकन वाला, महेंद्र पांड्या, आदि दाबियर वाला। 74, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश। आप लोग तो सच में बिल्कुल एक ही बार में शॉट मार रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करेक्ट आंसर आ रहा है। एक्यूरेसी आज की बहुत अच्छी है आपकी। ऑप्शन ए धनराज भगत। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार सबसे प्राचीन कला कौन सी है? एशियन आर्ट, गोथिक आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, आर्ट इनफॉर्मल। सबसे प्राचीन कला पूछी है आपसे। आंसर होगा एशियन आर्ट। ठीक है, चलिए आगे, एचिंग प्रिंट करता कौन है? बताइए, पिकासो, एडवर्ड हूपर, क्लाउड मोने, डिएगो वैलेंकुआ। बताइए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, कौन है? 76 पे आइए फटाफट से। वेरी गुड, कोमल ठाकुर, वेरी गुड, एडवर्ड हूपर। नेक्स्ट पूछा गया है, वर्ष 1556 ईस्वी में भारत में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष क्या होता है? बताइए, बंगाल स्कूल की स्थापना होती है, समकालीन छापा कला आती है भारत में, ललित कला महाविद्यालय खोला जाता है या फिर समकालीन चित्रकला शैली अपने शिखर पर होती है। 77, बताइए। आंसर होगा समकालीन छापा कला भारत में। ठीक है, आगे, ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस वर्ड, पेज मेकर, एमएस पावर पॉइंट, कोरल ड्रा। 78, वेरी गुड प्रेमलता, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश। आंसर आया है सबसे पहले प्रेमलता का, ऑप्शन डी कोरल ड्रा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा जा रहा है, किन वर्षों में अमूर्त अभिव्यंजनावाद, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सप्रेशनिज्म, जो कि अमूर्त कला की शैली का एक भेद है, ये अमेरिका में विकसित होता है, किस दशक में होता है? ये आपसे टाइम पूछा है घर पे, बताएंगे आप लोग। 1910 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 40 से
50 के बीच में, 60 से 70 के बीच में। बताइए, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 40 से 50 के दशक में। ठीक है, आगे, भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? किन्नर, द्वारपाल, गंधर्व, मिथुन। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, टाइम से आया करें सभी। ठीक है, 80 का क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छा, द्वारपाल ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है 1948 ईस्वी में नेपाल के नेशनल म्यूजियम ऑफ काठमांडू के निदेशक कौन नियुक्त किए गए थे? सतीश गुजराल, बीबी मुखर्जी, एम एफ हुसैन, आर एन चक्रवर्ती। बताइए, 81 पे क्या होगा आंसर? वेरी गुड, कुमुद वर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपका हो जाएगा, बीबी मुखर्जी। ठीक है, चलिए आगे। वर्ष 1957 ईस्वी में एफ एन सूजा के द्वारा बनाए गए चित्र हैं पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप, इसका माध्यम पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये याद रखिएगा, ये चित्र किसका है? एफ एन सूजा का है। अब बताइए कौन से माध्यम में? ऑयल कलर, टेम्परा, वाटर कलर, कलम और स्याही। बताएंगे? बिल्कुल, तो ये बना है कलम और स्याही के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है, प्रसिद्ध चित्र है सीढ़ियों से उतरती निर्वस्था, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक के इतिहास में। बताइए किसका है ये? शाबाश, बिल्कुल सही बताया है आंसर, मार्शल दुंशा का ये चित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बताइए, अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है, किसने? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? हिम्मत शाह, जग्गू भाई शाह, सतीश गुजराल, नटवर शाह। 85, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन ए, हिम्मत शाह। ठीक है, हाँ, शाहिल शिवम ने भी आंसर दिया है, चलिए आ जाइए। चलिए 86 है, भविष्यवादी चित्रकार का नाम पूछा गया है, कार्लो कारा, होल्डर, देलो ने। आंसर, भविष्यवादी चित्रकार पूछा गया है इधर पे आपसे, क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है, कार्लो कारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसको कहते हैं? प्रागैतिहासिक, गुप्त, मुगल, आधुनिक। बताइए, सभी लोग बताएंगे? 87 पे आइए, शाबाश, गुप्त युग को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, भारतीय चित्रकला के अकेले ऐसे उदाहरण कौन हैं जिन्होंने समकालीनता को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाई है? एम एफ हुसैन, राम कुमार, रामेश्वर भूटा, भूपेन खक्कर। 88 नंबर पे आएंगे, बताइए। वेरी गुड, शाबाश, आंसर होगा एम एफ हुसैन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। गोल गुंबज कहां पर है? बताइए, बीजापुर में, फतेहपुर, गोलकुंडा, सहारनपुर। गोल गुंबज 89, शाबाश, ऑप्शन ए होगा, बीजापुर में है। नेक्स्ट, भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सोमनाथ होर, बार्थोलोमियो क्राफोर्ड ने। 90, इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की है भारत में? शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है, बार्थोलोमियो ने। किसने? बार्थोलोमियो ने। ठीक है, आगे चलते हैं। देख रहे हैं कम टाइम में कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है ना? वैसे बातचीत होती रहती है ना, तो नहीं पढ़ा पाते, बहुत लंबा खिंच जाता है।
पूछा है अजंता की 17वीं गुफा में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? माता पुत्र। अजंता की 17 नंबर की गुफा की बात हो रही है। ग्रह त्याग है, बोधिसत्व पदम पाणी है, मर्ति राजकुमारी है। सभी का एक साथ बता दीजिए कौन सी किस गुफा में है। चलिए, माता पुत्र हो गया 17वें नंबर में, ग्रह त्याग किस में है, बोधिसत्व किस में है, मर्ति राजकुमारी किस में है। तीनों का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे लास्ट में देंगे, ठीक है। जो ऑफलाइन देख रहे हैं उनको तो लिखना ही है लास्ट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। नीचे है अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, पाली, देवनागरी, संस्कृत। अशोक स्तंभ पर बात हो रही है इधर पे, तो कौन सी? शाबाश, आंसर भी आ गए, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ चलिए, आंसर की बात करते हैं। अशोक स्तंभ पर लिखी है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। चलिए चलते हैं। अच्छा, पता है किसी को जब ये अशोक राजा बनता है तो इसके पहले ये कहाँ का राजा था, बताइए? जब ये राजा बनता है, मगध साम्राज्य का गद्दी संभालता है, उसके पहले ये कहाँ पर नियुक्त था, किसी को पता है उस जगह का नाम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया है, बताइए? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर। शाबाश, बहुत अच्छा। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया था? चलिए आंसर की बात करेंगे, ये हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे आते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन ये कॉमिक एल्बम है, इसकी रचना कौन से आर्टिस्ट ने की थी? हर्ब, एनी। 94 पे आइए, आंसर होगा आपका हर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 हैं, 35 हैं, 36 हैं, 33 हैं। एलोरा की गुफाएं पूछी हैं आपसे इधर पे, आंसर हो जाएगा 34। नेक्स्ट, किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया जाता है? विवान सुंदरम, मनु पारेख, विकास भट्टाचार्य जी, रणवीर काले का। 96 फोटो रियलिज्म का चित्रण, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। चलिए हाँ 96 पे आइए, चलिए वेरी गुड, ये है विकास भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट, रंग की शुद्धता को क्या कहते हैं? मान, रंगत, हल्कापन, सघनता, बताएंगे सभी एक साथ? रंग की शुद्धता को क्या बोलते हैं? मान, रंगत, हल्कापन, सघनता। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, सघनता बोलेंगे, ठीक है। आगे, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग से बनाए गए हैं? भीमबेटका की बात है, सफेद, लाल, हरे, काले। शाबाश, कौन सा? लाल रंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जोगी मारा के भित्ति चित्रों का विषय पूछा गया है आपसे, किस धर्म से संबंधित है जोगी मारा? तो जैन धर्म, बौद्ध, वैष्णव, कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, ये तो कोई आंसर ही नहीं हुआ। 99 का क्या होगा आंसर? कहां से है? तो जैन धर्म से है, ठीक है। चलो आगे बताइए, हान वंश की टेराकोटा आर्मी ये किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? टेराकोटा आर्मी किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? जापान, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया। वेरी गुड, सभी का स्वागत है क्लास में, आ जाइए, गाना बजा दीजिए थोड़ा सा, बहारो फूल बरसाओ, हमारी क्लास के सबसे उद्दंड बच्चे आ चुके हैं। चलिए 100 पे बताइए, बिल्कुल हाँ, क्या होगा आंसर? टेराकोटा आर्मी किस देश के संग्रहालय से सुरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा क्या? चीन में। कहां पर? चीन में। आगे हाँ चलिए,
रवि जी आए हैं, बहारो फूल बरसाओ रवि जी आए हैं। चलिए, रेखा के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 5 बताइए। रेखा के भेद पूछे गए हैं आपसे। हाँ, 101। चलिए चलिए आ जाइए आंसर पे, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, श्रृंगार रस को व्यक्त किया जाता है श्याम रंग से, रक्त रंग से, श्वेत रंग से, हरित रंग से, बताइए। श्रृंगार रस को व्यक्त किया जाता है तो श्याम रंग से, ठीक है। चलिए आगे, जल रंग चित्रण का आरंभ कब और कहां होता है? 17, 18, 19, 20 बताइए। वेरी गुड, तीसरे पे आइए। आंसर होगा 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, अलसी का तेल, तारपीन का, प्राकृतिक ग्लू या फिर कोई नहीं, बताइए। बाइंडर मिला होता है वही ग्लू, ग्लू ऑप्शन सी, प्राकृतिक ग्लू, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा होती है? सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के, अनेस्ले, फ्रांसिस बेकन, माइकल अर्नस्ट, ये अर्नस्ट है लिखा है, बताइए 105 का क्या होगा। हाँ वही है अपने जोशुआ रेनॉल्ड्स, ठीक है। आगे, दक्षिण भारत में आदिमानव का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? गुंटूर, बेल्लारी, मिर्जापुर, पंचमढ़ी, बताइए सभी लोग एक साथ। बिल्कुल, तो कहाँ था? बेल्लारी था। और किस जगह पर था बताओ जल्दी से? कर्नाटक था, तमिलनाडु था, या फिर उड़ीसा था, या बंगाल था, कौन था? चलिए, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास एक पुस्तक है, किसने लिखी है? एंडरसन, राय कृष्णदास, जगदीश गुप्त ने, वाकड़कर ने। अरे भाई ये क्या हो गया। हाँ चलिए आ जाइए, एक तो ये पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ खोलते हैं कुछ हो जाता है। एक सेकेंड रुकिए, ये सिस्टम ही हैंग हो रहा है, क्या हो गया। हाँ चलिए आ गया। हाँ, 107 पे आना है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बादामी गुफा चालुक्य राजवंश के किस राजा के संरक्षण में बनती है? पुलकेशन द्वितीय, प्रथम, मंगलेश, इनमें से कोई नहीं। बेल्लारी कर्नाटक में है, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है बताओ? तमिलनाडु में क्या है? अभी अभी एक गुफा ऊपर निकल गई है, कौन सी गुफा है? चित्तनवासल, ठीक है। इस पे बताइए। हाँ इसका आंसर हो जाएगा मंगलेश। आगे नेक्स्ट है, तैयब मेहता के चित्रों पर कौन सा वाद का प्रभाव दिखता है? यथार्थवाद, प्रभाववाद, अमूर्तवाद, अभिव्यंजनावाद। चलिए किसका दिखता है? अभिव्यंजनावाद का, ठीक है। चलिए आगे, कृष्ण रेड्डी हैं ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ग्राफिक कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, सिरेमिक कलाकार हैं, चित्रकार हैं। हाँ मना लो, यहीं पे मना लो, चॉकलेट डे, और भी कितने डे होते हैं, 7 डे होते हैं कि 10 डे, कितने होते हैं, सब मना लो यहीं पे, ठीक है। हग डे, किस डे, और फूल डे, कौन कौन सा डे होता है, सब मना लो यहीं पे, ठीक है। इकट्ठा पढ़ लो उद्दंड बाल को, ऑप्शन ए होगा ग्राफिक कलाकार, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, तांत्रिक कलाकार कौन है बताइए? संतोष, ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, भूपेन खक्कर। हमारा सबसे फेवरेट कौन सा है? चॉकलेट डे, ठीक है। चलो
111 का क्या होगा, सभी बताएंगे एक साथ? ऑप्शन ए हो जाएगा, जी आर संतोष। नेक्स्ट, मध्यकाल में बीदर क्या था, किस लिए जाना जाता था? रेशम उत्पाद के लिए, धातु जड़ाई के लिए, कलमकारी, पित्रादुरा। बीदर की बात हो रही है, बताइए। बारहवें पे आएंगे, बिल्कुल आंसर होगा धातु जड़ाई कला। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, क्रिस्टीज नीलामी घर किसने की थी? क्रिस्टीज नीलामी घर की स्थापना कब और किसने की थी, बताइए। क्या होगा आंसर? जेम्स क्रिस्टी ने कब, 1766 में। ठीक है, आगे अतुल डोडिया की प्रसिद्ध कृति है ब्लैक मून, ये कौन से माध्यम में बनी है, बताइए। अच्छा, हम देंगे चॉकलेट आपको, है आप लोगों को पता है, मैम को पसंद है लेकिन आप लोगों ने नहीं दी है। आई एम गुस्सा टू ऑल ऑफ यू। चलिए आ जाइए 114 पे। चलिए, बिल्कुल आंसर होगा आपका एक्रेलिक। आगे नेक्स्ट है, भीष्म किसने पेंट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चित्र। अर्पिता सिंह, रवि वर्मा, लीजिए आ गया नाम आपका रवि जी। चलिए, तैयब मेहता, भूपेन खक्कर, क्या होगा आंसर? भीष्म किसने पेंट किया है? अर्पिता सिंह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, विनीत जी ने भेज दी चॉकलेट, मैम हैप्पी चॉकलेट डे। हाँ, थैंक यू एंड सेम टू यू। चलिए, सन 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। ठीक है, अंजलि इलामीनन, अर्पणा कौर, के एस कुलकर्णी, गोपी गजवानी। 116 पे आएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, के एस कुलकर्णी आपका राइट होगा। आगे, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? रामेश्वरम, कोलकाता, चंडीगढ़, कन्याकुमारी, बताइए। विवेकानंद रॉक टेम्पल, हाँ आंसर होगा आपका क्या? तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी में। ठीक है, आगे, सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी? काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र, उत्कल। अशोक की राजधानी पूछी है इसमें आपसे, बताइए अशोक की राजधानी कहां पर थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इसी के टाइम पे बौद्ध संगीति होती है ना। ठीक है, आगे है, भारत भवन भोपाल के रूपांकर संग्रहालय के संस्थापक निर्देशक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। जे स्वामीनाथन है, अशोक वाजपेयी, टीपी राय चौधरी, राय कृष्ण दास। 119। चलिए, कल आपकी मैराथन होनी है शाम को 7 बजे, तो सभी को जुड़ना है। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं, जितना अभी तक पढ़ाया है सबका रिवीजन होगा कल फास्ट वे में। ठीक है, चलिए आंसर होगा आपका जे स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है आपसे, प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई है? गांधार में, सारनाथ में, मथुरा में, या फिर लाहौर में? प्रथम बौद्ध मूर्ति पूछी गई है, हाँ जय माता दी, मैम बी होगा, वेरी गुड, बताइए 120 का क्या होगा? 20 पे आइए, एक सेकेंड। भारत भवन भोपाल के रूपांकर संग्रहालय के, अच्छा एक सेकेंड, हाँ जी स्वामीनाथन हमने बता दिया उल्टा, ठीक है, ये अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ, प्रथम बौद्ध मूर्ति जो है ये कहाँ स्थापित की गई है? गांधार में, सारनाथ में, मथुरा में, लाहौर में, प्रथम बौद्ध मूर्ति पूछी गई है। हाँ चलिए इस पे आ जाइए 120 पे।
शाबाश, मथुरा में, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, ईंटों से निर्मित जो गुप्त काल का प्रथम मंदिर है ये किस स्थान में मिला है? गुप्त मंदिर पूछा है, ईंटों से बना, कानपुर में है, भूमरा में है, तिगुआ में है, देवगढ़ में है, बताइए। चलिए 121 पे आइए, तो ये अपने कहा है, भीतरगांव का मंदिर है ना, उसी की बात हो रही है, कानपुर। आगे नेक्स्ट है, 2002 में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला होता है? कब? 2002 में कहां पर होता है, बम फूट जाते हैं, बताओ। यूपी, एमपी, गुजरात, दिल्ली में। 122 कहां पर? गुजरात में। चलो आगे, फैमिली जो है ये किसकी रचना है? हेनरी मूर, पिकासो, सोमनाथ और काल्डर। फैमिली बताइए। बिल्कुल 23 नंबर पे आएंगे, फैमिली की बात करेंगे, क्या होगा आंसर? होगा हेनरी मूर के, ठीक है। आगे नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहां होता है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहां पर होता है? 24 डी हो जाएगा, राजगृह में, ठीक है। आगे, किस चित्रकार को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने भारत में पहली लीथो प्रेस लगाई थी? बस इतने से ही समझ में आ गया होगा आंसर क्या होने वाला है ना। क्या होगा? शाबाश, राजा रवि वर्मा, ठीक है। तो ये जो मॉडल पेपर था आपका 125 क्वेश्चंस वाला, कल प्लस आज मिला के हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपके जितने क्वेश्चंस थे ना, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने आपको इस मॉडल पेपर में करवा दिए हैं। बाकी का जो मॉडल पेपर होगा वो 2 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, 2 दिन आपकी मैराथन चलेंगी, जितना अभी तक हमने पढ़ाया है उसकी मैराथन क्लास चलेंगी, ठीक है। जो आपकी कल होगी वो भी मैराथन होगी, प्लस परसों जो होगी, परसों होगी वो भी क्या होगी, मैराथन होगी। तो 2 दिन आपको मैराथन में जुड़ना है, ठीक है। आपका फुल रिवीजन हो जाएगा कल प्लस परसों में, जितने अभी तक हमने नए क्वेश्चंस करवाए हैं ना, सारे नए क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चंस गलत हुआ है मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, अच्छी तैयारी है मैम। चॉकलेट तो दे नहीं अभी तक आपने मुझे और तुषार सर को, काहे हम काहे दें, आप दोनों लैला मजनू हो, एक दूसरे को दे लो, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ दिल उड़ा दीजिए, दिल उड़ा दीजिए, ठीक है। सभी लोग दिल उड़ा दीजिए, सभी लोग फटाफट से, और अभी 8 बजे जो क्लास है ना उसमें आ जाइएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए ऑफ करते हैं।